I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. संजय भटनागर जी, संजय जी, मैं एक पत्रकार बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरव्यू करना है। जी हाँ, ठीक है, तो आप कल सुबह 9 बजे। नहीं नहीं मैडम, प्लीज, कल सुबह बहुत देर हो जाएगी, मेरी डेडलाइन है। डेडलाइन है? जी हाँ। और आज ही करना होगा? जी। देखिए मिस्टर प्रकाश। हाँ मिस्टर प्रकाश, मुझे लगता है कि आपको किसी फिल्म स्टार का वक्त नहीं मिला, तो एक राइटर को। नहीं मैडम, ये बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तो और क्या बात हो सकती है? देखिए आप ऐसा, ये साफ है कि मैं आपकी चॉइस नहीं, मजबूरी हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम, आप देखिए, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। नहीं मैम, हम लोग फिल्म स्टार्स में दिलचस्पी रखते ही नहीं मैम, आप समझ नहीं रही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि आपकी मैगजीन फिल्म स्टार्स का इंटरव्यू नहीं छापती? एग्जैक्टली, हम सिर्फ आर्ट और साहित्य पर लिखते हैं। ओह, आर्ट और साहित्य पर? जी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आप जरा जल्दी आ जाइएगा। ओके,
थैंक यू मैम. मैं लंच के बाद किसी से नहीं मिलती. यस मैम. एंड प्लीज मेक इट इन 20 मिनट्स. बस आता हूँ मैम. आई बी राइट देयर मैम. प्रकाश जी आइए अंदर आइए. हाँ जी. और जूते रहने दीजिए. चौकिए मत. हम अंधों के कान ही उनकी आंखें हो जाती है. आदमी की छोटी सी हरकत से भी पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा होगा. आइए अंदर आइए. थैंक यू मैम. आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना. जी बहुत अच्छा. वैसे किस किस्म का इंटरव्यू लेना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहूंगा कि आप अकेली इतनी दूर कैसे मैनेज कर लेती हूँ. जी अंधी होने के बावजूद. जी कुछ खास दिक्कत नहीं होती. पैदल चलो तो मार्केट यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है. मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है. लौटती हूँ तो विक्टोरिया या रिक्शा लेकर सारा दिन लिखते लिखते कट जाता है. मगर इतने बड़े घर की देखभाल कैसे? एक नौकरानी है जो सुबह आती और काम करके चली जाती है. एक माली है जो वॉचमैन का काम भी करता है. आज छुट्टी पर है. इतने बड़े घर में सिर्फ दो ही नौकर काफी है.
ज्यादा नौकर रखो तो उन पर नजर रखनी पड़ती है, और ये काम मैं तो नहीं कर सकती ना प्रकाश। और वैसे भी आई लव सॉलिट्यूड, तन्हाई पसंद है मुझे। शादी का कुछ मिस्टर प्रकाश प्लीज, आपने कहा था कि आप एक सीरियस किस्म के मैगजीन से आते हैं, नो पर्सनल क्वेश्चंस। आई एम सॉरी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। संध्या जी, जाहिर है कि आप अपनी कहानियां ब्रेल में लिखती होंगी, अगर आपका ब्रेल में लिखा हुआ कोई पन्ना मिल जाए हमें, मैं वो भी छापना चाहूंगा वाचकों के लिए, हिंदी अनुवाद के साथ ऑफ कोर्स। ओह, बहुत अच्छा आइडिया है, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरी ब्रेल की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स मेरे पब्लिकेशंस के पास है, और जो किताब छपी नहीं है उनमें से कोई पन्ना मैं आपको दे नहीं सकती। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको एक मिनट प्रकाश, एक मिनट, मैं देखती हूँ। बुरा मत मानना प्रकाश, आई डोंट लाइक यू स्टैंडिंग बिहाइंड मी, आई एम रियली सॉरी। कोई भी कलाकार हो, पेंटर हो या स्कल्प्टर, किसी को भी अपनी आधी अधूरी कलाकृति दिखाना पसंद नहीं करता। आई एम रियली सॉरी मैम, मैं ब्रेल का टाइपराइटर पहली बार देखा इसलिए शायद इसीलिए। ये लो। थैंक यू। क्या मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर सकता हूँ? आपको ब्रेल आती है? जी हाँ थोड़ी बहुत, बम्बई में एक अंधा वायलिनिस्ट मेरा दोस्त था, उससे मैं कुछ दिन सीख रहा था। तो पढ़िए ना। कभी कहीं आप ब्रेल को नजरों से पढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? जी हाँ मैं कुछ ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ। प्रकाश, क्या कभी हिंदुस्तानी खाने का मजा काटे और चम्मच से खाकर हंस सकता है? उसका असली स्वाद चखने के लिए हाथ से ही खाना पड़ता है। ब्रेल के बारे में भी कुछ ऐसा ही है, ब्रेल नजरों से नहीं उंगलियों से महसूस करने की भाषा है। शब्द जब तुम्हें वाकई स्पर्श करते हैं सीधे दिल को छू जाते हैं। शब्दों के स्पर्श का आनंद ही कुछ और है। लाइए मैं पढ़कर सुनाती हूँ। कभी मेरी हसरतों को जगाती थी ये बारिश, कभी मेरी आदतों को दोहराती थी ये बारिश, रातों में हंसी ख्वाबों सी आती थी ये बारिश, आज मुझसे ही मुझको डराती है ये बारिश। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.